अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि कई ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। डिंडोरी में भी पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर जल जीवन मिशन का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। पानी की समस्या को लेकर डिंडोरी मंडला मार्ग पर किसलपुरी केवलारी गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के बाद मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों को किसानों और ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में पानी का संकट गहरा रहा है और अधिकारियों की मनमर्जी और लापरवाही के कारण पिछले 2 वर्षों से जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द जल संकट का निदान नहीं किया गया तो अब और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन्होंने चक्का जाम समाप्त कर दिया है और मैं शीघ्र ही EPHA हमारे साथ है, वो भी स्पॉट पे जाएंगे। उनको जानकारी है, उसमें ठेकेदार का कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया। ठेकेदार का अनुबंध हमने निरस्त कर दिया है 4 दिन पहले और उसका हम लोग ब्लैकलिस्टिंग का प्रस्ताव भेज दिए हैं ताकि वो साल भर मध्य प्रदेश में कहीं काम ना ले सके, क्योंकि उसने काम को बहुत विलम्ब किया, बहुत बार आश्वासन दिया तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर दी। दूसरा टेंडर हम लोगों ने कॉल कर दिया है, लेकिन फिलहाल हम लोग लोकल ठेकेदार से टंकी तक पानी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलता, गंदा पानी, रात रात भर जाके वहाँ लेडीज बैठे रहते हैं कुओं में, इतना गंदा पानी है कि पास में ले जाने से महकता है। हाँ, रात में बच्चे बच्चों को घर में छोड़ के रात में कुओं में जाके बैठे, कब से हो गया ये जल योजना चलती, अभी 4 साल हो गए पानी नहीं मिल रहा है। 4 साल से टंकी बना है नर्मदा में, लेकिन पानी अभी तक घर में नहीं पहुँचा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।